वन बाई रूट टू, रूट थ्री बाई टू वन। अच्छा इसका उल्टा कॉस्ट होता है वन, और टेन का मान साइन में कॉस्ट होता है तो जीरो बाई वन जीरो, सेम से सेम करके रूट थ्री वन बाई जीरो का सेम। टेन का उल्टा वन कॉस्ट उल्टा से कोसाइन का उल्टा क्या है? तो कई बार जो है हमने देखा है कि सवालों में अपने अनुमान के हिसाब से हम थीटा की वैल्यू पुट करके सवाल को रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं? देखिए पहला सवाल, ठीक है ना, कहते हैं tan थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0 है, क्या क्या? तो आपको tan थीटा प्लस 15 और बटे tan थीटा माइनस 15 का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे tan है और यहाँ पे cot है, तो टेबल में अगर देखूं मैं tan का मान मालूम है मेरे को, तो cot इसका उल्टा हो जाएगा, 0 का उल्टा अनंत, रूट 3 1 का उल्टा 1, रूट 3 बाई 1 का उल्टा 1 बाई, और अनंत का उल्टा क्या? तो यार कोई चीज का मान 0 कब हो सकता है? जैसे दो चीजों का अंतर 0 तब है, जैसे ये 5 हो और ये भी 5 हो तभी तो 0 आएगा, ऐसे थोड़ी 0 आएगा। अगर ये 10 होगा ये 5 होगा तो 0 थोड़ी ना आ सकता है। तो जीरो का मतलब यार टेन और कार्ड दोनों आपस में है, तो टेन और कार्ड के मान बराबर ना हो गए देखो, या होते हैं क्या होते हैं नहीं होते? ये कौन से विशेष गुण का मान है? 45 का। तो अगर टेन कार्ड के बराबर है, टेन कार्ड के क्या है बराबर है, इसको अगर थीटा का मान क्यों ना जीत 45, अगर टेन का मान कार्ड के बराबर है तो समझ गए थीटा का मान टेबल से 45 हो सकता है, ठीक है ना। अब सवाल ये पूछा है तो थीटा का मान 45 से कुछ और भी है बराबर है, तो अगर सवाल ने ऐसा पूछा है और थीटा का मान 45 हो सकता है तो 45 से भी उत्तर आएगा, वो क्या है अगर कुछ और होगा उससे भी उत्तर आएगा, क्योंकि आपने देखा टेन और कार्ड क्या हो सकते हैं बराबर हो सकते हैं, तो बराबर का होते हैं 1 होते हैं, तो भले से थीटा का मान कुछ भी हो लेकिन अगर सवाल में ऐसा दिया है थीटा पूछ रहा है आपसे या थीटा की मदद से कोई सवाल पूछा है तो अगर वो 45 से आ रहा होगा तो दूसरे से भी उत्तर आएगा, तभी तो सवाल ने पूछा है। ये सवाल पूछने वाला बुद्धिमान होता है, क्या होता है बुद्धिमान, इसका मतलब है थीटा जो है वो 45 है, 45 से 15 क्या होगा और 45 माइनस 1 तो मान निकाल देंगे रूट 3 और बटे 1 बाई रूट 3, तो बटे का बटा कहाँ चला जाएगा, रूट 3 बटे रूट 3 बराबर क्या होगा, तो पक्का ये लॉजिक हर जगह फिट हो जाएगा। ये जो पूछा गया उसका मान 3 है।